शहर के जगदीश चौक से मंगलवार को भगवान जगन्नाथ स्वामी रजत रथ में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसी को लेकर तैयारियों को सोमवार शाम तक अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन की ओर से रूट मार्च निकालकर व्यवस्था देखी गई। पुजारी परिवार से भगवान की सभी तैयारियां विधि विधान के साथ पूरी की। सुबह कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी भुवन भूषण यादव, एएसपी मंजीत सिंह सहित 3 डीएसपी, 8 सर्कल इंस्पेक्टर सहित पूरे लवाजमे के साथ प्रशासन ने यात्रा मार्ग का जायजा लिया। मार्ग में आने वाली बाधाओं को लेकर आमजन से चर्चा की और तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान पुजारी परिवार से भी वार्ता कर उनकी समस्या जानी, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठीक होना बताया। यात्रा मार्ग का जायजा लेने के बाद कलेक्टर एसपी सहित पूरे लवाजमे ने मंदिर की परिक्रमा की और भगवान की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में आज मेरे और कलेक्टर साहब के द्वारा संयुक्त रूप से एक पूरे जो परिक्रमा है जहाँ पे रथ जाता है उसका पूरा किया गया। बीच में सारे विभाग के भी लोग थे, पुलिस विभाग अन्य महकमों के नगर निगम वगैरह, उन सबसे जहाँ जहाँ कोई कमियाँ दिखाई दी उन्हें दुरुस्त करने के लिए कहा गया और उनसे जो यहाँ के आयोजक हैं उनसे भी पूरी वार्तालाप की गई और ये पूछा गया कि कहाँ जहाँ जो व्यवस्था हम करवा सकते हैं पहले से बेहतर उनसे लिया गया और कल बहुत ही अच्छे से व्यवस्था करवा के जगन्नाथ यात्रा को पूरा ढंग से पूर्ण करवाया। हाँ मैम, उधर के लिए अलग से जाब्ता लगाया गया है, वो वहाँ पे भी राउंड ले रहे हैं, इसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे। नहीं नहीं, वो एक ही चरण में निकलेगी मैडम, नए कोई चरण नहीं है, जो पहले से निकलते ही वैसे निकलेगी, किसी भी नई चीज़ की अनुमति नहीं दी गई है। जो पहले व्यवस्था थी वैसी ही थी, पहले एक चरण में निकलती थी, अब वो एक चरण में ही निकलेगी। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा पिछले 26-27 साल से उदयपुर शहर में निकल रही है। सर्वप्रथम 96 में धर्मोत्सव समिति के घनश्याम जी चावला, दिनेश जी मकवाना, अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने प्रयासों से नगर भ्रमण के लिए इस रथ यात्रा को प्रारंभ करवाया था। इसमें पूर्व में एक पारंपरिक पुराना रथ था, वो हम लोग ऊँट गाड़ी में रख के रथ यात्रा निकालते थे। फिर भक्तों की आस्था के अनुरूप एक रजत रथ का निर्माण हुआ था, वो 2002 में, उसमें लगभग 50 किलो चांदी लगी थी। तत्पश्चात 20 वर्ष बाद जब पुराना रथ जीर्ण शीर्ण हुआ था, उसमें सुधार की जरूरत थी, रथ समिति ने अपने प्रयासों से एक ऐतिहासिक रथ और कलात्मक जो उसमें तकनीकी खामियां थी उसको दूर करते हुए एक कलात्मक रथ को बनाया है। और जगन्नाथ राय जी के कल रथ यात्रा है और भगवान की रथ यात्रा पुरी से स्टार्ट हुई है, जो पुरी से ये उत्सव यहाँ आया और इस तरह से भगवान जगदीश की रथ यात्रा कल सुबह पंचम स्नान होगा, केसरा वस्त्र धारण होंगे, मेवाड़ी पाक धारण होगी, इस तरह से श्रृंगार होगा, उसके बाद रथ और राजभोग लगेगा। राजभोग के बाद यहाँ जो मेन रथ है मंदिर का छोटा वाला, वो परिक्रमा में फिरेगा, तो खेवा वाइज होगा, पहले महादेव जी के पास, फिर गजानंद जी के पास, उस तरह से सूर्य नारायण के मंदिर पर जाने के बाद वहाँ विश्राम होगा, सूर्य नारायण के वहाँ भोग लगेगा, घोड़ों के दाल का भोग लगेगा, भगवान के नैवेद्य में आम की बर्फी, आम के गट्टे, दाड़म, जाम्बू, इस तरह से भगवान के नैवेद्य लगाया जाएगा, मावे की मिठाई, वहाँ माँ आरती होगी। माँ आरती होने के बाद आगे माता जी के वहाँ खेवा होगा, इसमें सखी नाचेगी, गवैये गाएंगे, माता जी से आगे तुलसा जी के किनारे पे खेवा होगा, उसे खेवा बोलते हैं, जगह जगह खेवा होते हुए अंदर छोटा रथ वापिस मंदिर में पधारेगा, पधार जाएंगे। उसके बाद शहर के लिए भ्रमण के लिए भगवान का स्वरूप बना हुआ छोटा, उसको पुरुष सुख श्री सुख से आज एकम के दिन उनकी पूजा हो जाती है, कल श्री सुक्त पूजा करेंगे, रथ में बैठाएंगे, पुजारी परिषद एवं भक्तगण सहयोग करेंगे, साइड में रहेगा पुजारी परिवार, रथ में पधरा के वहाँ आरती होगी, पूजा होगी और भोग लगाया जाए। उसके बाद घंटाघर, बड़ा बाजार, धान मंडी,
आरएमबी स्कूल होता हुआ गुलाबबाग और कई भक्त तोरण बनाएंगे, सेवा करेंगे, आरती करेंगे, अलग अलग जिस प्रकार से सभी तरह से जैसी जैसी इच्छा होगी वो महाआरतियां करते हुए वापिस गुलाबबाग होते हुए जगदीश मंदिर आएगा।